वेरी गुड, हैंड से फट गए, यही है, इसी से बनेगी, इसी से बनेगी गोल गोल वो। आज आ चुके हैं जिम में वर्कआउट करने के लिए भाई, लेग्स का अपने कोच साहब के साथ। तो वार्म अप सेट्स लगा रहे हैं लेग्स के लिए आज। पहले हम लगा रहे हैं 10 से धीरे धीरे सेट्स लगा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं आज वर्कआउट में क्या करने वाले हैं। एकदम चमकदार खतरनाक वर्कआउट होने वाला है। ये देखो स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ अपना स्क्वाट्स के साथ वार्म अप स्क्वाट्स के सेट्स लगा रहे हैं और आप भी देखते रहो। कम ऊपर किया क्या? एक अरे तू तो लगा लिया ना, लगा लिया ना तुम तो एक में लगा। वार्म अप सेट्स नहीं भाई, ये अपना सेकेंड वार्म अप सेट है 15-15 से। चलो लगाओ, डेप्थ देखो भाई, यही डेप्थ होनी चाहिए हमेशा, स्लो एंड फास्ट अप। चलो तो ये रहा हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट 70 केजी से। ये फर्स्ट वर्किंग सेट लगा रहे हैं हम। कितने रेप्स? कितने रेप्स? 11 रेप्स, 5 70 हर गए जी। निकाल दिए बात भाई। स्क्वाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब आप कुछ भी करो लेग्स में, कोई भी एक्सरसाइज करो और स्क्वाट्स नहीं करोगे कोई फायदा नहीं।
पाँच से छह सेट, मैं आठ भी आता हूँ कभी और, पर मेरी तबीयत आ जाता है, बुखार होता है मेरे को, वो सर्दी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उस वजह से फीवर हो रखा है, तो इसलिए कम कर रहा हूँ आज, लेग्स भी कम फोकस कर रहा हूँ। तो फोकस क्या, वेट इतना ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाऊँगा। पर ये भाई सब तो मारेंगे, नी रैपिंग चल रही है भाई, हैवी वेट, ये देखो भाई वेट कहाँ पहुँच गया, इसको रोड भरती चली जा रही है। कितना मारने की प्लानिंग है सर, कितने मारने की प्लानिंग है? एक सेट और तो 10-10 और बढ़ेगा भाई, अभी तो देख लो काउंट कर लो कितना है, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा। पहुंच गया होगा यार 150 के आसपास पहुंच गया होगा मेरे साथ से। अरे इजी एक और इजी चल साइबर, अभी 3 reps easy भाई। चलो बन जाओ, very good. सही था, नी को स्टेबल रखता है ना वो, हाँ अच्छा है, ऐसे जाने नहीं देता, आगे नहीं जाने देता, आगे नहीं जाने देता, इंजरी भी नहीं होने देता। सही है, चल खेच के ले, चल 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 शाबाश, चल अब चल एक और, जान निकल गई बहन, चल ओ लास्ट वाले में बहुत ज्यादा हेल्प लगी। क्या हुआ भैया, क्या बोलना चाहोगे? ऑडियंस आके लाल हो गई, ऑडियंस को क्या बोलोगे? उठ जाओ भाई, ज्यादा हेल्प था भाई, ज्यादा हेल्प था इसको, ज्यादा हेवी हो गया। यही है ऐसी बढ़ने की बॉडी। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, सर जरा बैठे बैठे सेकंड एक्सरसाइज एक्सप्लेन करो, कौन सी है, क्या नाम है इसका? रिवर्स लेग प्रेस। रिवर्स लेग प्रेस, मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं करी। लोअर बैक पूरी स्टेबल ना चल रही है वीडियो, हाँ लोअर बैक पूरी स्टेबल। तो ये सबसे पुरानी एक्सरसाइज है, ये मेनली आपकी ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स के लिए है। तो देखो अनलॉक करो, ये देखो ये पूरा स्ट्रेच होता है, नीचे जाओ, वेरी गुड, कम ऑन लेट्स गो, 6-7-8 It feels like the world up. Dead ho gaya bhai. Guys, third set. भाई ये वाली बहुत hard है, मतलब पूरा ना आपका पूरा आपका hands, आपकी quads पूरा cover करती है, मतलब बढ़िया तरीके से मजा ही दिला देती है वाली। तो लेट्स गो, पंप तो कुछ खतरनाक आ रखा है, पंप ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, लेट्स गो, 1 2
ये जो को फोर रेंज ऑफ मोशन लेट्स गो सेवन वन मोर रेस्ट लॉक देन रीलोड One, two, three, four, five, three, two, हट गए भाई भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लो बेस्ट है भाई हैमस्ट्रिंग्स को ग्रो करने के लिए बट आपको स्ट्रेच फील करना है एक अच्छा स्ट्रेच फील करते ही आपकी पूरी हैम एक्टिवेट हो जाएगी और अच्छे से वर्क करने लगेगी हैवी लो अच्छा लो स्ट्रेच पे फोकस करना है गाइस क्या पूरा स्ट्रेच करेगा सीधा सो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जिम खोल ले क्या सर एक्सरसाइज कौन सी है ये है बूटी गेम्स बूटी अपने पिछवाड़े बढ़ाने हो आपको गोल गोल कटोरी ऐसे करने हो तो ये एकदम राउंडनेस अगर पैंट आपके नीचे ना सरके और आपको लगे आपके पिछवाड़े में फिट हो नीचे लोगों ये ना लगे सिर्फ आगे आगे बन रहा है पीछे भी बनना चाहिए जरूरी है अब मेरी पुट्ठे बनाने की बारी अच्छे अच्छे गोल गोल पुट्ठे बनाएंगे चल चल वेरी गुड हट गए यही है इसी से बनेगी गोल गोल वो गाइस ये हमारी है हिप अबडक्टर सर एक्सप्लेन करो इस वाली को तो ये है हिप अबडक्टर ये आपके ग्लूटस मीडियस और मिनिमस के लिए होता है तो ये एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है ये आपके कंपाउंड मूवमेंट बहुत हेल्प करेगा आपके डेडलिफ्ट आपके सब लोग ध्यान नहीं देते इतना बट जरूरी एक्सरसाइज है आप जरूर कर सकते करनी चाहिए मतलब आपको फोकस दो के फोकस करो इधर और फील करके बट ज्यादा स्ट्रेच आउट भी नहीं करना क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है बट नॉर्मल स्ट्रेच कर रहा है इसमें ओपन अप करना है इसके दो फॉर्म्स होते हैं एक इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स और एक आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स तो अभी हम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स कर रहे हैं फिर आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स करेंगे फोकस लो फेल करो मेरी नहीं होती ना स्ट्रेच इतनी तो ऐसा चेंज हुई है अब आउटवर्ड टू इनवर्ड करेंगे सही भाई वेट कम करियो अरे लग जाएगी इजी है 45 तेरे लिए सब इजी है नहीं लग रही भाई अरे लगेगी ऐसा लग रहा है बीच में हवा लग जाएगी स्ट्रेच भी नहीं करवा रहा भाई चल गाइस मेरे जिम में भी होना चाहिए मैं नहीं करता ये वाली एक्सरसाइज मेरे को सुमो स्क्वाट से काम चलाना होता है
तेरी टांगे कम स्ट्रेच होती है, देख मेरी देख कितनी होती है, मैं पूरा कर दूंगा। बचपन में मैं बेबी एलिफेंट था ना, तो मैं भी वैसे ही था कुछ। ये देखो, ओ भाई क्या साफ सारी भाई, मेरी तो कमजोर है भाई, इसकी अच्छी है। चलो भाई अब अपनी काफ ले लेते हैं।